अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी बड़ा न्यूज है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। तो आइए जानते हैं आप कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th पास कर चुके हैं और वह शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षक बनने के लिए आपके पास डीएड, डीएलएड या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, बिहार बीएससीबी डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-22 ये सेशन जो है 2020-22 के लिए है। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपके मार्क के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था, लेकिन इस बार से एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित होने जा रही है। अगर आप एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का टाइटल है बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020। अब देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है आपको 5/12/2019 और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 14/12/2019, यानी 5 दिसंबर से लेकर के आप 14 दिसंबर तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फी की बात हम कर लेते हैं तो UREWS BC EBC के लिए ₹960 है, वहीं SC ST दिव्यांग कोटि के स्टूडेंट के लिए ₹760 है। पे एप्लीकेशन फी via डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फी का पेमेंट कर सकते हैं। एज की गणना आपको जो है 1/1/2020 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज नो लिमिट, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास विथ एटलीस्ट 50% मार्क, यानी आप 50% मार्क के साथ इंटर कर चुके हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% छूट मिलेगा, यानी 45% जिसको मार्क है इंटर में वे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होगी। पहला है कि पंजीकरण, दूसरा है कि फॉर्म भरना। अब पंजीकरण, प्रथम बार अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें, तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। उस पेज पर सब्जेक्ट अप्लाइड विथ आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, उर्दू चुनेंगे। इसके बाद जिला, योग्यता, कोटि, लिंग, दिव्यांगता, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल एवं मोबाइल नंबर अंकित कर सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से पहले सावधानीपूर्वक भरे गए विवरणों की जांच करनी होगी, क्योंकि इसके बाद के चरण में आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। सबमिट करने के पश्चात आपके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से पंजीकृत ईमेल ID पर आवेदन संख्या, यूजर ID एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे लॉगिन कर सकेंगे। अब दूसरा प्रोसेस जो है आपका फॉर्म भरना, तो आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉग इन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक विवरण भरेंगे, उसके बाद अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, उसके बाद परीक्षा शुल्क की राशि भुगतान करेंगे, उसके बाद पंजीकृत पर्ची की प्राप्ति। भुगतान सफल होने के बाद पंजीकृत पर्ची रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगा उत्पन्न होगा। आवेदक प्रिंट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर पंजीकृत पर्ची का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, फ़ोटो किस साइज में अपलोड करना है और उसका जो है साइज क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किए साइज 100 KB से 150 KB तक एवं आयाम 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हल्का होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद एवं हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हेल्प के लिए आपको यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिंक 5 दिसंबर को एक्टिव होगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले
सकते हैं यहाँ से सिलेबस को, और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इस बिहार डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी को पाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो